नाजरीन आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज, मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। सुबह में रेगुलर पेट्रोलिंग करते सो टाइम पे अबाउट 6:30 मॉर्निंग 6:30 बजे के टाइम पे पेट्रोलिंग करते जब एक दो आदमी हमको सस्पिशियस दिखा था KMG लेन पे सस्पिशियस दिखे थे। उनको पुलिस वाले क्वेश्चन करने के लिए रुके, उनके पास में जा रहे थे, वो भागने की कोशिश करे, इससे वो दोनों को कैच करके उनसे थोड़ी बहुत पूछताछ करने से वहाँ पर पता चला कि वो लोग जो बैग्स हैं उनके पास में, वो बैग्स में गांजा है और ये लोग गांजा बेचने के लिए यहाँ पे ठहर के डिस्पोज करने के लिए कोशिश कर रहे बोल के पता चला था। इससे इमिडिएटली हम वो दोनों को भी हमारे कस्टडी में लिए और उनका मटेरियल जो भी है बैग्स का वो भी हम कस्टडी में लिए। फिर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे करके और टोटल वो 12 किलो वो बेचने के लिए ट्राई कर रहे थे बोल के मालूम हुआ इन्वेस्टिगेशन में। और ये 12 किलो भी ये लोग दनियाल ये ओरिसा का रहने वाला ये आदमी से ओरिसा में प्रोक्योर करके वहाँ पे कम रेट में खरीद के यहाँ पे ज़्यादा रेट में बेच के ये लोग इजी मनी अर्न करके ऐसा इनका ज़िंदगी गुजार रहे बोल के इन्वेस्टिगेशन में पता चला। उनको अरेस्ट करके हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए। सब गांजा का वैल्यू 70,000 तक रहता 12 kgs का और विकास सिंह जो है उसके ऊपर ऑलरेडी 2 गुड़ुम्बा के केसेस है बोल के पता चला और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इनका टोटल पूरा हिस्ट्री इनका डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में हम लेके आके फिर चार्जशीट में फाइल करते। जब अच्छा तरीके से चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल करके इनको कन्विक्शन आ जाता हम कोशिश करें। हमें इनका केसेस नहीं है। ये विकास सिंह जो है गोलकोंडा के पास में एरिया में रहने वाला है, एक LB नगर में एक केस है बोल के पता चला।